बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी हमें सवाल आ चुका था कि सर आप करंट अफेयर क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं द रीजन वॉज करंट अफेयर शुरू करने से पहले यू नीडेड सम बेसिक नॉलेज जो हमने अब कवर कर चुके हैं आपको इकोनॉमी के सारे जो है लेक्चर्स मिल चुके हैं आपने जो है पॉलिट जो जोग्राफी जो जो पढ़ लिया है एंड पॉलिटी शुरू होने जा रहा है कुछ ही टाइम में एंड वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ करंट अफेयर जहां पर हम बहुत ही डिटेल में बहुत ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं करना कुछ नहीं है आपको यू आर ऑलरेडी इन द क्लासेस वहां पर एआरसीएस का कोर्स है एआरसीएस का असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज सोसाइटी उसमें हम करंट अफेयर्स का अलग से एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं और आज सेकेंड अगस्त को इसका पहला क्लास होगा प्रेजेंटेड बाय मी शाह फाइन सो अभी इसके बारे में आ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मैं आपको इसलिए बता बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ कंटेंट देना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या कर, कवर करने जा रहे हैं फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स डेट हे नॉट जॉइन द कोर्स उनके लिए मैं हल्के से ये गाइडेंस में उनको देना चाहता हूँ करंट अफेयर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए आर सी एस के एग्जाम के लिए एंड इवन के एग्जाम के लिए जो आने वाला है अक्टूबर हाँ, में होगा तो करंट अफेयर की बहुत ज्यादा वेटेज है उसके लिए भी तो आपको सबको पता है करंट अफेयर के लिए सबसे बहुत अच्छी मैगजीन आती है विजन आई एस की मंथली मैगजीन आती है ऐसे ही उनके एक और मैगजीन है जैसे फॉर एग्जाम्पल इन साइट ऑन इंडिया Uh, जो ज्यादा लोग तो नहीं पढ़ते बट बढ़ स्टिल इट इज गुड दृष्टि वन मोर मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए फाइन सो so, वो सारी चीजें हम कर, uh, बहुत सारे बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है विजन पढ़ना फाइन ये तो आप छोड़ ही दो विजन पढ़ना उनको काफी डिफिकल्ट लगता है और हम विजन को ही टारगेट करेंगे फाइन सो so, मैं वो सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई टॉपिक किस uh, करंट करंट में ये टॉपिक क्यों है क्या असल का इशू था तो ऐसे ही मैंने एक अभी जून का निकाला हुआ है ये जून का हमारे पास मैगजीन uh, है Vision की। और जून में हम देखेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस बार पढ़ने हैं फाइन आज जो हमारा पहला क्लास होने जा रहा है uh, उसमें हम डिस्कस uh, करेंगे मैं आपको कुछ टॉपिक्स इसके दिखाना चाहता हूँ ये देखिए सो so, आपको पता है आपके सिलेबस में लिखा है करंट अफेयर्स रिगार्डिंग हिस्ट्री रिगार्डिंग पॉलिटी या पोलिटिकल साइंस रिगार्डिंग जोग्राफी रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फाइन अगर वो बस इतना ही लिख लेते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो वो ये काफी हो जाता बिकॉज आई एस के सिलेबस में भी यही लाइन लिखी है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फाइन तो करंटली क्या क्या हो रहा है जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है तो वो सारी चीजें देखना है तो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले आज हम पॉलिटी से शुरू करेंगे जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है रूल ऑफ लॉ क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ इंटरव्यू um, दिया था सिटीजेंस चार्टर बनाया जा रहा है तो वो भी हम देखेंगे सिटीजन चार्टर क्या है फिर इंटरनेशनल रिलेशन ये इंटरनेशनल रिलेशन पोलिटिकल साइंस का हिस्सा है पोलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन में मैं आपको न्यूक्लियर डिसमेंट बताऊंगा कि कैसे हमने इतना ज्यादा जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल किया है कैसे उसको डिसाम करने की बात हो रही है कैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की बात की जा रही है ठीक है जो मेजोरिटी uh, आपके बड़े बड़े uh, जो है आपका uh, न्यूक्लियर uh, uh, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है जिसमें प, uh, इंडिया इसराइल और uh, पाकिस्तान भी आ चुका है तो उनको भी जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन इतने ज्यादा मत बढ़ाइए उसमें ही हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप नॉन प्रोलफेडेशन ट्रीटी क्या होती है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है फाइन ये कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होनी चाहिए उसके बाद हमारे पास है इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन तो इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं उसका जो सिविल जो है यूज होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए उसके लिए हमारे पास क्या क्या हमने अभी तक किया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गे शंघाई कॉरपोरेशन कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस जो चाइना में है ये इसके रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी हम कवर करेंगे फिर है इकोनॉमी इकोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे इस जून के महीने में हम जून दो से शुरू कर रहे हैं गाइस हम इसी पिछले महीने से जून से शुरू कर रहे हैं बिकॉज आपका हम इसी से हम बैकवर्ड जाएंगे जून से शुरू करेंगे फिर हम वापस जाएंगे मई में, में। फिर वापस जाएंगे अप्रैल में बिकॉज काफी सारी न्यूज बार बार रिपीट होती है फाइन तो हमें उसका अर्लियर वर्जन नहीं पढ़ना, हमें उसका लेटेस्ट पढ़ना है तो हम लेटेस्ट वर्जन से ही शुरू करेंगे फिर धीरे 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 हम पीछे जाएंगे और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम दो साल का करंट अफेयर करेंगे और दो साल का मैं आपको करके दूंगा फाइन लेकिन आपको वैसे ही चलना जैसे मैं आपको बताता हूँ फिर इकोनॉमी इकोनॉमी में हमें पढ़ना है फोर इयर्स ऑफ जीएसटी कि जीएसटी के अभी चार साल हो चुके हैं तो उसके यू नो जीएसटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है चार साल जो जीएसटी के हो चुके हैं तो उसमें जीएसटी ने अभी क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया जीएसटी है क्या जीएसटी आने की वजह से कौन से सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर आ गए कौन से टैक्सेस जीएसटी से बाहर है क्वेश्चन यहां से बन सकता है डायरेक्ट मोनिटाइजेशन ऑफिकल डिफिजिट जैसे कि आपने इकोनॉमी वाले लेक्चर्स में फिजिकल डिफिसिट पढ़ा होगा ऑलरेडी आज हम उसको उसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल डेफिजिट को मोनेटाइज करने के लिए जो आरबीआई पैसा छपाता है उसको हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कहते हैं क्या वो अलाउड है नहीं अलाउड है करंट अफेयर्स बींग वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैं, तो मैं क्योंकि बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स का ले रहा हूं ऐसे ही ग्लोबल जब मैंने आपको बजट कॉर्पोरेट टैक्सेस भी पढ़ाए कॉर्पोरेट टैक्सेस भी पढ़ाए टैक्सेस तो आपको पता होगा कि ये कॉर्पोरेट्स को देना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स तो अभी बात हो रही है कि हम ग्लोबल एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स बनाए जैसे कि जी लेक्चर लेक्चर में में आपने आपने सुना होगा, में आपने होगा जीडीपी वाले पढ़ा ऐसी, ऐसी कंट्रीज जो है ये कंट्रीज अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम रखते हैं और एक टैक्स कंट्री बन जाती है और जो कंपनीज है वो अपना हेडक्वार्टर वहीं पे सेटअप करती है ताकि उनको टैक्सेस ना भरने पड़े अभी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात हो रही है कि मिनिमम ही हमें पंद्रह परसेंट का कॉर्पोरेट टैक्स रखना चाहिए हर कंट्री में ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होगा इससे जो है जो इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह भागती है टैक्स से फायदा उठाने के लिए वो नहीं होगा माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है जो बांग्लादेश काफी ज्यादा शुरू हुआ था जब वहा ग्रामीण बैंक बने थे तो वो हम पढ़ेंगे कि इंडिया में भी माइक्रो फाइनेंस के लिए क्या चीजें हो रही है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टूरिज्म सेक्टर ठीक है ये ड्राफ्ट वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बाकी बाकी कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेंगे कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है अर्बनाइजेशन कैसे हो रही है टूरिज्म सेक्टर हो इंडिया में कैसा है फिर है आपकी रीवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में यानी पावर सेक्टर में हो रही है डिस्कॉम्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए तो ये देखा जाएगा फिर है आपका एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कोविड की वजह से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ा है घटा है वो देखेंगे एग्री स्टैक क्या होता है जिसमें हमारा है फार्म स्टैक होता है फार्मर्स स्टैक होता है क्रॉप स्टैक होता है तो ये सारी चीजें देखेंगे हॉर्टिकल्चर कॉटन कल्टिवेश मैनुफेक्चरिंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड जा रहा है बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस के द्वारा उसके बाद कंज्यूमर प्रोटक्शन ई कॉमर्स रूल्स भी आए हैं 2020 में वो भी देखना पड़ेगा उसके बाद है आपका सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा जहां पर हम इंडियन एयरफोर्स को इंडियन नेवी को मिलिट्री को एक जगह पर उनको एक ही कमांड के नीचे ला रहे हैं एक ही कमांडर के अंदर उसके बाद है आपका एनवायरमेंट एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट यूपी ने शुरू किया वो देखा देखना पड़ेगा एथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे कहते हैं जैसे पेट्रोल में अभी हम एथेनॉल ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है इंपोर्ट जो पेट्रोल का हम करते हैं बाहर से क्रूड पेट्रोलियम का वो कम हो जाएगा उसके बाद ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसन हमने एक एटलस बनाया है गंगा रिवर बेसन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ड्रॉट्स इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बाद सोशल इश्यूज हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर देखेंगे मॉडल इनसी एक्ट क्या है 2021 का बिकॉज इट्स अ करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स 2021 तो नीति आयोग इज द यू नो एजेंसी जो है आपका एस बनाती है uh, इंडेक्स बनाती है uh, हर साल उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीनो मेडिटिंग किसको कहते हैं लेदार सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं कल्चर में ये हिस्ट्री का पार्ट है कल्चर में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस ये देखा जाएगा एथिक्स इज नॉट फॉर यू एथिक्स आपका मेन्स में आता है Uh, जो है यूपीएससी के मेंस में और केस के के मेंस में दिस इज दिस विल स्किप उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में देखेंगे हम uh, क्या क्या न्यूज में है और कुछ करंट इवेंट्स फाइन जैसे बायोटेक किसान किसको कहते हैं बैन ऑन ब्लेंडिंग ऑन ऑफ मस्टर्ड ऑयल जैसे आपका पास है महशीर हीट डोमिन नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स सीओ वाटर मैंडेट तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें कवर करनी है जून वाले महीने में उसके बाद हम पुराने महीने में जाएंगे फिर उससे पहले वाले महीने में जाएंगे ऐसे करते करते हम अलग अलग मंथ्स को कवर करेंगे और मेजोरिटी आपका करंट अफेयर खत्म होना चाहिए नाउ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मुझे आपके साथ एक अनाउंसमेंट करनी है अनाउंसमेंट क्या है कि देखिए भाई ये करंट इवेंट हम किसके लिए पढ़ रहे हैं मी गिव यू दिस आइडिया कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं मैं हम पढ़ रहे हैं जेके पी के, के एग्जाम के लिए ए राइट right? और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें के एस का भी दिया होगा जिनको इस साल आई एस भी देना है तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है फाइन करंट करंट अफेयर्स अब क्योंकि हम विजन से ही पढ़ रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी आपके बच्चे विजन से ही कवर करते हैं और अगर आप ये स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे विजन आपका करंट जो है एटी टू नाइनटी परसेंट हो जाएगा फाइन हंड्रेड परसेंट की कोई गारंटी नहीं है बिकॉज विजन में भी बहुत सारे टॉपिक्स स्किप हो चुके हैं हो जाते हैं इतने इतना ज्यादा कवर करने के बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो विजन ने भी नहीं कवर किए होते और जो हिंदू में भी नहीं होते तो वो वो सबके लिए एक समान है वो तो सबका जो है उसमें इंटेलिजेंट गेस करना पड़ेगा आपको आ, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते बट एक चीज इंपॉर्टेंट है जैसे आपको किस, किसी बच्चों को आदस बी वो एस एस बी लेवल का यू नो सोच के चलता है आ, वहां का जो करंट अफेयर आता है जैसे फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन द वर्ल्ड कौन कौन है ठीक है अवार्ड कौन कौन सा है किसने क्या अवार्ड जीता है ओलंपिक कहां पे हो रहा है ये आपका यू नो एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं कौन नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन है आपका सीईओ कौन है नीति आयोग का यूनाइटेड नेशन का ये कौन है इस वक्त नो जनरल कौन है ये सारी चीजें मैं इसमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूं ठीक है इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो आपको पता होनी चाहिए कि ये सब कैसे कवर करना है बहुत हजारों किताबें आती है मार्केट में ये सारी आप कर सकते हो कवर ठीक है इट इज नॉट समथिंग दैट वो पढ़ाने की जरूरत है कि भाई ये फर्स्ट इन इंडिया है इसने ओलंपिक जीता उसने इसमें मेडल जीता ये ओलंपिक में हो रहा है इत, पीवी सिंधु ने दो ओलंपिक मेडल जीते ठीक है यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट कौन है प्राइम मिनिस्टर कौन है किस कंट्री का कौन सा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है ये सारी चीजें पढ़ाने की नहीं होती ये पढ़ने की होती है वो खुद पढ़ सकते हैं जो पढ़ाने की चीज है वो विजन आई में जो करंट अफेयर है वो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है तो मैं आपको हाई लेवल का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा बाकी जो नीचे नीचे करंट अफेयर आएगा वो खुद पढ़ना है फिल्म फेयर में कौन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन एंड नीदर आई एम गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट आप अपना वो खुद कर सकते हैं कहीं से भी कोई भी बुक उठा लो आर्यहंत की उठा लो कहीं भी मार्केट में आपको बुक्स आती है वो बुक उठा के फर्स्ट इन द वर्ल्ड या लूसेंट की बुक आती है वो भी आप कर सकते हैं वहां से आप वो छोटे छोटे करंट अफेयर जो कर सकते हो ठीक है इफ़ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि सर जो है हमें हाई लेवल का करंट अफेयर पढ़ना है हमें ऐसा करंट अफेयर नहीं पढ़ना जो हम खुद भी पढ़ सकते हैं ठीक है एंड आई टोटली अग्री विद देम हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा जहाँ आई एस के एस लेवल का हम पढ़ेंगे ताकि आपके बाकी सारे एग्जाम्स हो जाए उसमें फाइन तो वो मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मैं विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस यू नो लेवल करंट अफेयर इनफैक्ट हमारा जो एस एस बी का बैच था फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का हमने उसमें करंट अफेयर पढ़ाया भी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट समथिंग टू टीच ठीक है सो उसमें करंट अफेयर बच्चों ने खुद फिर कवर uh, किया हालांकि हमने कुछ टॉप पीडीएफ दिए थे बट वो खुद भी कर सकते थे हम पढ़ रहे पढ़ेंगे करंट अफेयर पीएससी लेवल का चाहे यूपीएससी की बात करें जेके पी की बात करें और उसी को टारगेट करेंगे उसी में मेजोरिटी चीजें निकल आएंगी और कुछ चीजें आपको बाहर से भी करनी पड़ेगी दैट इज योर होमवर्क दैट इज योर होमवर्क सो दैट इज अस्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर ऑलरेडी ज्वाइन अवर एआरसीएस कोर्स जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी जो करंट अफेयर का इंतजार कर रहे थे कि कब करंट अफेयर उठेगा और वो ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैं फिर से बता दू एआरसीएस अवेलेबल ऑन दी एप वन ट्रिपल नाइन पे ये हमारा कोर्स फी है जिसमें हमने अभी तक कोऑपरेटिव का ऑलमोस्ट 50 परसेंट से 50 परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम ज्योग्राफी आपका लगभग 80 परसेंट हो चुका है पॉलिटी शुरू हो रहा है अगस्त में ही पॉलिटी uh, शुरू हो रहा है करंट अफेयर शुरू हो जाएगा आज इसका पहला लेक्चर है देन वी हैव सम इम्पोर्टेंट रीजनिंग जैसे रीजनिंग ऑलरेडी uh, कर रहे हैं हम वो भी ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी हो चुका है एंड यही आपका सिलेबस में है और जिसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो टारगेटिंग के जो बच्चे ए आर सी एस में है जो और के दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा सो विल बी स्टार्टिंग टूडे थैंक यू सो मच गाइज प्लीज शेयर द वीडियो विद ऑल दो स्टूडेंट्स दैट यू थिंक माइट माइट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे गॉड ब्लेस यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय बाय